दोस्तों आए दिन दिल्ली से कोई ना कोई दुष्कर्म की घटना सुनने को मिली जाती है, जहां किसी बच्ची के साथ या फिर किसी महिला के साथ या फिर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसी ही एक घटना दिल्ली से आई है, जहां साबिया सैफी नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसके जिस्म को काट कर झाड़ियों में फेंक दिया गया। आपको पूरा मामला बता दूं कि साबिया सैफी कोई आम इंसान नहीं थी, कोई आम लड़की नहीं थी। वो दिल्ली पुलिस में तैनात थी, सेल्फ डिफेंस में, जो कि जिला कार्यालय में तैनात थी, जिसे 4 महीने ही हुए थे इस ड्यूटी पे लगे हुए, जिसके बाद 27 अगस्त को भी वो अपने हर रोज की तरह घर जा रही थी। उसी बीच कुछ दरिंदों ने उसके ऊपर प्रहार किया और उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसके शरीर को गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी और उसके प्राइवेट पार्ट और शरीर के अंगों को काटा। बहुत निर्मम हत्या की गई इस लड़की की, जो कि 21 साल की थी। दिल्ली पुलिस में होने के बावजूद भी अगर उसके साथ ऐसी हरकत होती है तो बहुत ही शर्मनाक बात होती है कि दिल्ली पुलिस में होने के बावजूद भी एक लड़की सेफ नहीं है, उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है। आपको पूरा मामला इसी वीडियो में बता देंगे। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि साबिया सैफी को इंसाफ मिले तो जस्टिस साबिया सैफी जरूर लिखे, ताकि उसे इंसाफ मिले और लोग उसको इंसाफ दिलवाने के लिए आगे आए। बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली की रहने वाली साबिया सैफी 4 महीने से दिल्ली पुलिस सेल्फ डिफेंस में तैनात थी। आज नासिक जिला मुस्लिम उत्सव समिति द्वारा पूरे जिले के अंदर जिस प्रकार दिल्ली पूना जो उस महिला के ऊपर रेप हुआ, उस रेप के विरुद्ध में, ताकि जिन लोगों ने रेप किया, चाहे वो किसी समाज के हो, किसी जाति धर्म के लोग हो, जो काम उन्होंने गंदा किया रेप करने के बाद, उसकी बेरहमी से हत्या की गई। बात इस दो महिलाएं की नहीं बल्कि 4-5 साल के अंदर जिस प्रकार इस देश के अंदर बेटी की जिस प्रकार की उसके साथ में रेप किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, जिस प्रकार देश के अंदर ये घटना बढ़ी है, उसको देखते हुए उसके माध्यम से नासिक जिला उत्कर्ष समिति द्वारा हम लोगों ने हर जिले में सादिक भाई पठान जिला अध्यक्ष इनके नेतृत्व में हमने हर प्रांत कार्यालय के ऊपर निवेदन देने का निर्णय लिया। और उसी प्रकार आज हम लोग भी नांदगांव तालुके से तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता आज येवला आए, येवले पे आकर हमने प्रांत अधिकारी के पास अपना निवेदन दिया और हमने मांग की है कि जिन लोगों ने ये हत्या की, जिन लोगों ने रेप किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, उसको बाकायदा मौत की सजा देना चाहिए। बेटी किसकी भी हो, चाहे इस देश के अंदर राजनीति करने वाले बड़े नेता हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर से लेकर तो चाहे मुख्यमंत्री हो, इस देश के अंदर रहने वाला चाहे गृह मंत्री हो, लेकिन जिस प्रकार की देश के अंदर ये चल रहा है, इसके ऊपर उन लोग का बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज एक बेटी के साथ जिस प्रकार का हुआ, आने वाले दिनों में बता नहीं सकते, अगर इस प्रकार की घटना घटती रहेंगी तो मैं तो कहता हूं कि मुल्क के आज देश की हालत यह है कि अगर इतिहास देखा जाए और अगर सर्वे कर लिया जाए तो रोज कम से कम 3 से 4 इस मुल्क के अंदर एक बेटी के साथ में रेप होता है। ये प्रकार है, अगर कानून कायदा इस प्रकार से रहेगा, अगर कानून सख्ती का नहीं किया जाएगा, ये घटना और होती जाएंगी। मेरी मांग है और तमाम हमारी उत्कर्ष समिति की मांग है, हम अधिकारी से भी मांग करते हैं कि कम से कम आप डिपार्टमेंट के माध्यम से उनके ऊपर सजा देने का काम करें। इसके बाद अगर इस प्रकार की घटना होती रहेंगी तो हम, आज कोविड का मामला चल रहा है, इसके लिए हमने आंदोलन को अपने ज्यादा तेजी नहीं करते हुए हमने अपने आंदोलन को एक छोटे से शॉर्ट में सिर्फ हमने निवेदन दिया है और हमने मांग की है कि उनको कड़ी से कड़ी सजाए। इसके बाद अगर इस प्रकार की अगर हत्या या रेप होते जाएगा तो हम लोग ने निर्णय लिया है कि और बड़ा आंदोलन करेंगे और ताकि इस मुल्क के अंदर एक कानून बने और ऐसा कानून बने कि जिस लोगों ने अगर किसी का रेप करे और हत्या करे, उसको तुरंत किसी भी प्रकार का ज्यादा समय ना लेते हुए फास्ट स्ट्रोक कोर्ट के अंदर उसको सजा दिया जाए। ये हमारी मांग है और आज भी हम मांग करते हैं। आज नासिक जिला मुस्लिम उत्कर्ष समिति तरफ जिला अध्यक्ष सादिक भाई पठान तसेच मार्गदर्शक आमचे रेजी फारुकी आणि सर्व पदाधिकारी आम्ही संपूर्ण जिल्ह्यातून जी घटना घडलेली आहे दिल्लीमध्ये 27 ऑगस्ट रोजी ज्या प्रकारे एक शासकीय कर्मचारीवर अत्याचार होऊन तिचा निर्गुणपणे खून करण्यात आला, संगम विहार या ठिकाणी राहणारी 22 वर्षीय युवती हिच्यावर जे अमानुषपणे अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आला, त्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही येवला प्रांत या ठिकाणी निवेदन देण्यात आलो आहोत। तसेच पुणे या ठिकाणी एक
14 वर्षीय अल्पवय मुलगी याला 8 ते 10 जणांनी राहण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार केला। अशा नराधमांना कठोर कारवाई व्हावी याचा निषेध म्हणून आम्ही या ठिकाणी आज येवला प्रांत व जिल्ह्यातून सर्वच ठिकाणी आम्ही OTP निवेदन दिलेलं आहे। शासनाने आमच्या निवेदनाची त्वरित दखल घ्यावी आणि अशी ज्या घटना घडत आहेत याच्यावर कुठेतरी निर्बंध लागावा आणि ज्या प्रकारे घटना घडत आहे हे घटना एक अपमानास्पद आणि निंदनीय आहे। ज्या प्रकारे पुणे शहरामध्ये जे पुणे जिल्हा आहे एक सांस्कृतिक म्हणून आहे आणि पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये असे घटना घडणे योग्य नाही। म्हणजे याच्यातून हे कळत आहे का आज महिला किती आपलं सुरक्षित आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणि केंद्रामध्ये पण। तर याची आमच्या निवेदनाची शासनाने त्वरित दखल घ्यावी आणि जे नराधम आहे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी आणि हे जे केस आहे याने CBI मार्फत त्यांची चौकशी व्हावी आणि यांना आमच्या समितीतर्फे आम्ही असे निवेदन करतो की यांना कठोर कारवाई देण्यात यावी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।